नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यूज़ के आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो 200 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं अगली इस वीडियो में। इसमें हम 201 से के आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी कि 200 के आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस एंड एनग्रेव, ये क्या हैं? तो ये सभी हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस? देखिए, यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि ये हमें प्रोवाइड करती है बैकअप पावर। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रोवाइड बैकअप पावर। ओके, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू HTML, डॉक्यूमेंट अगर कन्वर्ट होता है HTML में तो कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। दोबारा से पढ़ता हूँ, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेव, तो क्या है? तो उसे हम कहते हैं HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग, मतलब इसका डेवलपमेंट ही हुआ था एक तरीके से वेब पेज बनाने के लिए, वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। 90 के दशक में इसका डेवलपमेंट हुआ था, डेवलप हुआ था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आंसर इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नोन एज, तो इसका मतलब होता है ड्रैगिंग करना, यानी कि अगर आप होल्डिंग द माउस बटन डाउन, नीचे की तरफ अगर माउस के बटन को आप बंद कर रहे हो वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट, तो उसे हम ड्रैगिंग कहते हैं। वेन वॉज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च, तो पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? 1985 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CDROM एंड CDRW, तो CDRW का मतलब होता है रिटर्न, CDROM का मतलब कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। ओके, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल्स ऑन द फ्लॉपी, तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, द फाइल्स गॉट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, फाइल डिलीट हो जाती हैं और रिस्टोर नहीं होती हैं कभी भी, ठीक है, ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके डोमेन में कौन सा नाम होता है? तो होता है .edu, इसका मतलब ये एजुकेशन होता है, ठीक है, तो ये डोमेन में होता है, उनके डोमेन नेम होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, POST, पोस्ट स्टैंड फॉर, तो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब जानते हैं ये होता क्या है पोस्ट। देखिए, POST, पोस्ट की फुल फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। जब बायोस कंप्यूटर, बायोस का मतलब यानी कि BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो जब बायोस कंप्यूटर को बूट करता है तो पोस्ट काम करता है, पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट एक बिल्ट इन डायग्नोस्टिक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट की जांच करता है। जब कंप्यूटर को चालू करना होता है तो सबसे पहले पोस्ट की एक प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग कार्य करता है। इस प्रक्रिया में पोस्ट यह जांच करता है कि कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ओके, यानी कि प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड जैसे अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट की जाँच भी पोस्ट ही करता है, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यदि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के एरर उत्पन्न होती है तो पोस्ट इसकी सूचना मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है या फिर एक एरर बीप साउंड भी देता है जिसकी मदद से हम एरर को ठीक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर ए कंप्यूटर, तो आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर इज द स्कैनर कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर फॉर कंप्यूटर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड इंक्लूड अ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है इनमें से? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ठीक है, ऑप्शन फाइव इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा स्कैनर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन वर्ल्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक, यानी क्या है वर्ल्ड में आप पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बाई पोजिशनिंग योर कर्सर एट अ अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कि कर्सर को किसी भी एक प्लेस पर ले जाकर कंट्रोल प्लस एंटर की को प्रेस कर दीजिए, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट अ अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन है, LST, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज़ हम कौन से जनरेशन में करते थे? तो करते हैं फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में कौन सा करते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ टू मीट स्पेसिफिक यूज़र नीड, एप्लीकेशन प्रोग्राम का पर्पज़ ही ये था, जो यूज़र है
उसकी नीड्स मतलब मीट द स्पेसिफिक यूज़र नीड्स। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हाइपर टेक्स्ट इज ए, हाइपर टेक्स्ट क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजिंग टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन बाई क्रिएटिंग एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन फोर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रनिंग विंडो मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस रिक्वायर्ड इज, तो मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस कितना होना चाहिए? तो 8 MB। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, 8 MB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स जनरेट्स कैरेक्टर फ्रॉम ए ग्रिड? तो आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर इज ए, तो एक्यूमुलेटर जो है वो आपका रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर का प्रयोग सिस्टम द्वारा जनरेट हुए किसी भी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डैश फंक्शन की रिफ्रेशेस द करंट विंडोज, तो रिफ्रेश की कौन सी होती है? F5 होती है। तो फंक्शन की 12 होती है टोटल, F5 का मतलब होता है रिफ्रेश करना विंडोज को, ठीक है? अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1983 दिस पर्सन वाज द फर्स्ट टू ऑफर अ डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंप्यूटर वायरस, तो कौन से पर्सन थे? वे थे फ्रेडरिक कोहेन। अगला क्वेश्चन है, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप, सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज करना और डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? विंडोज लोगो प्लस डी, यानी विंडो का लोगो प्लस डी भी दबाना है साथ में। इन MS वर्ड ऑल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी डज वॉट, MS वर्ड में अगर हम ऑल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डेट, डेट इंसर्ट हो जाएगी उसमें, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिलीट्स एन आइटम इमीडिएटली विदाउट प्लेसिंग इट इन द रिसाइकलिंग बिन, तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। तो अगर शिफ्ट प्लस डिलीट अगर हम ये की दबाएंगे तो आइटम जो है डिलीट हो जाएगा इमीडिएटली विदाउट प्लेसिंग रिसाइकलिंग बिन में जाए। ओके अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टॉपोलॉजी, तो सभी इसमें स्टार बस रिंग जो है टॉपोलॉजीज है, पहला दूसरा चौथा तीसरा नहीं है, ठीक है? लीनियर टॉपोलॉजी इज नॉट अ मतलब तीसरा नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है हमारा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। देखिए कंप्यूटर में रूल्स का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। रूल्स को हम प्रोटोकॉल कह देते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश, तो टेबल क्या क्या कंसिस्ट करता है? रोज एंड कॉलम्स कंसिस्ट करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, व्हाट डस कंट्रोल प्लस ESC डू, यानी कि कंट्रोल प्लस एस्केप की जो है अगर साथ में दबाएंगे तो क्या होगा? शोज द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू शोज करेगा ये, ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज अ कंप्यूटर, तो आंसर हो जाएगा एक्सेस यूजर परमिशन, ऑप्शन फोर। प्रॉक्सी सर्वर का जो मतलब था हमने पिछले वीडियो में बताया था। और इसके आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एम्बेडेड सिस्टम, इसका अब जो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में भी हमने इसके पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है? आप देख सकते हैं, ए कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल अ मशीन, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन, यानी कि प्रिंट आउट लेने से पहले ही अगर हम प्रिंट उसका हम देखना चाहते हो तो किस बटन को हमें दबाना पड़ेगा, कौन से उसको हमें करना पड़ेगा? प्रिंट प्रीव्यू पर जाना पड़ेगा, मतलब उससे देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर जाके कि अगर हम उसे प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा। ओके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ डैश, तो हम सभी जानते हैं वीडियो इज ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज ए स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फील्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा हैंडलिंग विद ए कंप्यूटर, तो वो कौन कौन से हैं? फोर मेन एस्पेक्ट्स वो हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कैश रजिस्टर आर नाउ कंप्यूटर दैट आर नोन एज अ डैश टर्मिनल, यानी कि कैश रजिस्टर को अब हम दूसरे रूप में यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? POS पॉइंट ऑफ सेल, ओके ऑप्शन फर्स्ट POS, तो POS की फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होती है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस,
तो सिस्टम मेंटेनेंस में क्या क्या आता है आपका? बैकअप कॉपीज, एडिंग डिलीटिंग, प्रोवाइड सिस्टम सिक्योरिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं आता है, तो रिप्लेसिंग यूज़र इंटरफेस, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी टास्क ऑफ ए नास सर्वर, NAS नास सर्वर। तो नास सर्वर क्या होता है? देखिए, नास की परफॉर्म होती है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नास सर्वर जो होता है वो एक छोटा सा कंप्यूटर, टाइपिकल कंप्यूटर होता है जो कि स्टोर करता है डाटा, वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के इस्तेमाल से। अगर एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाए एक नेटवर्क में, तब ये डाटा को शेयर कर सकता है इसकी कनेक्टेड हार्ड ड्राइव में, जो कि नेटवर्क के दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा, फाइल शेयरिंग। ठीक है, फाइल शेयरिंग इज़ अ प्राइमरी टास्क ऑफ नास सर्वर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू चेंज विंडो 98 टू XP, तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब है आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू मेक अ कॉपी ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट टू अ डिस्क। तो हमें क्या करना होगा? सेव एज कमांड का यूज़ करना होगा। यूज़ द सेव एज कमांड टू मेक अ कॉपी ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट टू अ डिस्क। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मदरबोर्ड। सभी जानते हैं मदरबोर्ड इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज शोन बाय अ कर्सर। कर्सर ही दिखाता है हमारी पोजीशन, मतलब टेक्स्ट की कहाँ पर है। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम 240 से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।